बोलो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ उत्कर्ष, आप देख रहे हो उत्कर्ष राजीव व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ स्कूल और मेरे पापा जा रहे हैं ये व्लॉग शूट करने। प्रकृति की गोद में समाया राज्य झारखंड, प्राकृतिक की सुंदरता के साथ साथ कई सारे किस्से, कहानियाँ और इतिहास अपने आप में समेटे हुए हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उन्हीं में से एक नागवंशी महाराजाओं का इतिहास है। शासन काल छोटा नागपुर पर लगभग 1900 सालों तक रहा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर था। सब दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं उत्कर्ष रांची ब्लॉग। आज मैं आपको नागवंशियों की दूसरी राजधानी नौरत्नगढ़ के सफर पर ले चलता हूं। तो आइए चलते हैं इस सफर पर। नौरत्नगढ़ रांची से 70 किलोमीटर और गुमला से 30 किलोमीटर की दूरी पर सीसई के नगर गांव में स्थित है। रांची या गुमला से सीसई आना होगा। सीसई से 10 किलोमीटर अंदर नगर गांव पड़ता है। नौरत्नगढ़ चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और ऊंचे ऊंचे पत्थरों से घिरा है। इतिहास बताता है कि मुगल साम्राज्य से बचने के लिए नागवंश के 46वें राजा दुर्जन साल ने इस किले का निर्माण 1630 में कराया था। खुद राजा दुर्जन साल ने चारों तरफ पहाड़ों से घिरे स्थल पर नौरत्नगढ़ की स्थापना की थी। नौरत्नगढ़ के चारों तरफ खाई थी। यहाँ प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता हुआ करता था। ये कमल तालाब है और ये रानी महल, ये मठ है, मंदिर। ये राजमहल है जो 5 मंजिला है और जिसके हर मंजिल पर 9 कमरे हैं। बीच का कमरा बड़ा है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार ये 9 मंजिला किला था। उस समय 9 अंकों को शुभ माना जाता था, शायद इसीलिए इसका नाम नौरत्नगढ़ पड़ा। किले की दीवारें 33 इंच मोटी हैं। किला 2 मंजिल नीचे जमीन में समा गया है, जो पुरातत्व विभाग की खुदाई के बाद दिखाई दे रहा है। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है जो आगे बंद कर दिया गया है। किले के अंदर का निर्माण कीमती लकड़ियों से किया गया था। इसके गुंबद पर कीमती लकड़ियां लगी थीं, जो समय के साथ चोरी हो गई। भारतीय पुरातत्व विभाग ने 2009 में विश्व धरोहर घोषित करने के लिए सूचीबद्ध किया था और सितंबर 2019 में इस किले को विश्व धरोहर घोषित किया गया।
नागवंशी महाराजाओं का किला नौरतनगढ़ शायद बहुत से लोग नाम नहीं सुने होंगे और नहीं जानते होंगे, लेकिन शायद आप सब में से बहुत से लोग रातू महाराजा रातू किला रांची के बारे में जानते होंगे। वो किला भी नागवंशी महाराजा के 61वें महाराजा उदय प्रताप नाथ सहदेव ने 1901 में बनवाया था, जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर के देखरेख में बना था। नागवंशी महाराजाओं का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। छोटा नागपुर और ये नागपुर शब्द भी नागवंशी से ही आया है। नागवंशी शासन काल दुनिया के लिए एक अजूबा ही है, क्योंकि इसकी शुरुआत प्रथम शताब्दी में हुई थी और आज तक उनके अवशेष मौजूद हैं। ये लुका छिपी मठ है, यहाँ रानी और उनके बच्चे खेला करते थे। नागवंशी दुनिया का ऐसा पहला राजघराना है जिसने लोगों से लगान नहीं लिया। ये राजा कभी भी अपने प्रजा से टैक्स नहीं लेते थे। नागवंश के अंतिम महाराजा लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव थे, जिनकी मृत्यु 84 वर्ष की आयु में रांची में 2014 को हुई। ये रानी का किला है। रानी इसी रास्ते से होकर नहाने के लिए जाया करती थी। आगे रानी का तालाब है, चलिए चलते हैं। ये रास्ते इसी रास्ते से रानी तालाब में नहाने जाया करती थी। ये काफी टूट गया था, जिसे पुरातत्व विभाग ने बनवाया है। और नीचे का भाग पुराना ही है, जो ऊपर का निर्माण कराया गया है।
ये राजा का कचहरी है, सभागार। यहीं पर बैठकर राजा अपने फैसले सुनाया करता था। और ये सामने अंडरग्राउंड जेल हुआ करता था। यहाँ भी कुछ था जो अब जमींदोज हो चुका है। इन्हीं ईंट पत्थरों से ये महल बना था। नवरत्नगढ़ के पहले नागवंशियों की राजधानी खुखरागढ़ में थी। वहां जब दुर्जन साल गद्दी पर बैठे तो उन्होंने मुगलों को मालगुजारी देने से साफ मना कर दिया। इस बात से नाराज मुगल बादशाह जहांगीर ने सेनापति इब्राहिम खां को खुखरागढ़ पर हमला करने के लिए सिपाहियों के साथ भेज दिया। दुर्जन साल गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें ग्वालियर के किले में नज़रबंद कर दिया गया। यह घटना 1615 ईस्वी की है। करीब 12 साल बाद जहांगीर के दरबार में हीरा पहचानने की कला दिखाने के इनाम में दुर्जन साल को मुक्त कर दिया गया। उन्हें छोड़ा गया तो 6000 रुपये सालाना कर देने की मांग की गई, जो उन्होंने मान लिया। राजा वापस छोटा नागपुर लौटे और अपना गढ़ सुरक्षित स्थान में बनाने का निर्णय लिया और फिर खुखरा से सुरक्षित नवरत्नगढ़ को बनवाया। नागवंश शासन काल दुनिया के लिए एक अजूबा ही है, क्योंकि इसकी शुरुआत प्रथम शताब्दी में हुई थी और आज तक उनके अवशेष मौजूद हैं। यहाँ नवरत्नगढ़ का संक्षिप्त इतिहास लिखा है। नागवंशियों के इतिहास में नवरत्नगढ़ को पहला राजमहल का दर्जा प्राप्त है। ये वॉच टावर है, यहाँ सैनिक रहा करते थे और किले की निगरानी किया करते थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में जमीन के अंदर महल मिला है। माना जा रहा है कि जमीन के अंदर बनाया गया यह महल काफी प्राचीन है। आज खंडहर होने के बावजूद नवरत्नगढ़ के अवशेष अभी भी अतीत की भव्यता और ऐश्वर्य की याद दिलाते हैं। चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर ले।
झारखंड के गौरव नौरत्नगढ़ में नागवंशी राजा तो कभी नहीं लौटेंगे, पर इतिहास के इस पन्ने को पढ़ने के लिए जब आप वहां कभी जाएं, तो ईंट पत्थरों का यह महल फिर मुस्कुरा रहा होगा इस आस में शीघ्र ही इसके आंगन में हजारों दर्शकों की भीड़ होगी जो इस इतिहास को जानना और महसूस करना चाहते हैं।